नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को कह दूं कि कोई अनऑफिशियल फिल्म की बस अगर इंडियन सिनेमा में सबसे ज़्यादा है तो वो है टॉन 3। यस, जिसकी मौजूदगी नहीं है या फिर ऑफिशियल कोई भी अता पता नहीं है कि इस फिल्म की काम हो रहा है या फिर ये फिल्म बनने वाले हैं, इसकी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इस फिल्म की बस और क्रेज एकदम साथ में आसमान पर होते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि डॉन की दुनिया में कुछ हलचल से हो रहे हैं, यस, और जो हमारे समझ से बाहर है। अचानक अमिताभ बच्चन जी आते हैं और अपने इंस्टाग्राम पर डॉन को लेके पोस्ट करते हैं। ये पोस्ट आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक इसके 4 दिन पहले काजल भी अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में ये पोस्ट करते हैं जो आप लोग देख सकते हैं। तो आखिर ऐसे हुआ क्या? अमिताभ बच्चन और काजल 1 हफ्ते के अंदर डॉन को लेके पोस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको कल न्यूज़ मिल चुका होगा कि फरहान अख्तर की फिल्म जीले ज़रा बंद हो चुके हैं और फरहान अख्तर एक नया फिल्म के ऊपर काम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी पुष्टि रितेश सिद्धवानी ने दिया था। रितेश सिद्धवानी ने कहा था कि फरहान अख्तर बहुत दिन बाद राइटिंग में वापस आ चुके हैं, और तब से लेके ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि डॉन 3 कमिंग ऑन द वे। यस, डॉन 3 अगर अभी बनते हैं तो ये एकमात्र फिल्म है जो KGF चैप्टर 2 की रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। यस, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। डॉन 3 को लेके लोगों के बीच बस और एक्साइटमेंट कुछ इसी लेवल की है। जब भी फरहान अख्तर ट्विटर में कोई ट्वीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डॉन की जो फैंस है, डॉन फ्रेंचाइज की जो फैंस है, वो ट्विटर में डॉन को लेके ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि डॉन 3 की डिमांड आज भी कितना है। तो फरहान अख्तर की राइटिंग में वापस आना, अमिताभ बच्चन की इंस्टाग्राम की पोस्ट में डॉन की जिक्र, काजल की इंस्टाग्राम की पोस्ट में डॉन की जिक्र, तो क्या डॉन 3 के ऊपर काम शुरू हो चुके हैं? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी ओपिनियन क्या है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।